और मोड़ मुड़ते ही तेरे सामने शेर खड़ा हो सिंह, तू क्या करेगा? वो कहता फिर तो शेर करेगा, मैं क्या करूंगा फिर? वह फिर तो शेर सिंह ही करेगा जो कुछ करना है, मेरा के ब्यों तुम्हारा, फिर मैं क्या करूंगा? तो ऐसे ही गधा बनने के बाद तो कुम्हार करेगा, फिर वो देखेगा, हम के देखेंगे फिर? हमने तो अब देखना है, अगर कुछ देखा जाता है तो हमारे भक्त उनको लाते हैं जो कति कंडे हो रहे हैं, कितना देवता ने सुनी उनकी, ना कोई जंतर मंत्र काम कर रहा, डॉक्टर ते भी फेल हो लिए। फिर हमारे भक्त उनको गारंटी दे कर जाते हैं कि आप चलो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब यहाँ आने वाले व्यक्ति को हम उपदेश देने से पहले बहुत बार हमारे भक्त भी समझाते हैं और साथ में एक फार्म देते हैं जिसके बैक में सारे नियम लिखे हुए होते हैं। उस समय तो वो स्वीकृति दे देता है कि हाँ ठीक है, जैसे कहोगे ऐसे कर लूँगा, क्योंकि उस पर आपत्ति घनी आई हुई है और नाम लेने के बाद फिर वो मर्यादा ठीक से निभाता नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ कर ही जाता है। एक यहाँ पर आया था, उसके दोनों गुर्दे खराब हो रहे थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था 10 कदम चल नहीं सके था, और उसने कोई ये चाम के जूतों की दुकान बना रखी थी। उसको बताया गया था कि ये चाम के जूतों की नहीं रखना, अगर आपने जूते ही रखने हैं तो चाम के नहीं रखना, क्योंकि ये पशुओं को बेरहमी से मारा जाता है और उनसे काट कर ये चाम तैयार किया जाता है। पहले पुराने समय में जो चरमकार यानी चमार जो जूते बनाते थे वो जीवित पशु को नहीं मारते थे, पशु मर जाते थे, उनकी खाल उतार करके अपनी मेहनत से उसको फिर जूता बनाने योग्य तैयार कर लेते थे। अब वर्तमान की तरह एक एक व्यक्ति 6-6 जोड़ी जूते नहीं रखता था, एक जूता जोड़ी वह भी कति टूट ले लित्र बन ले उसके फिर थेगड़ी लवाए जाते थे और पहनते रहते थे। अब वर्तमान में तो बहुत जुल्म हो रहा है, भैंसों को, काटड़ों को, गौओं को बढ़िया चाम बनाने के लिए एक ऐसा केमिकल प्रयोग करते हैं, जीवित को भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, ताकि वो मांस समाप्त होकर के और चाम में समा जावे और उसके जीवित के ऊपर ही वो फिर कहते हैं बहुत ज़बरदस्त गर्म पानी डाल देते हैं, वो फूल जावे और वो पशु बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा होता है, फिर उनको काट दिया जाता गर्दन से और फिर वो बढ़िया जूते बनाए जाते हैं। तो पुण्यात्मा जिस दिन से इस दास को ये ज्ञान हुआ है चाम के जूते चाम की बेल्ट उसी दिन से त्याग दी थी। ऐसे ही आप जी को चाहिए कि चाम प्रयोग ही करना बंद कर दो, फिर अपने आप इन जीवों की हिंसा बंद हो जाएगी, मांस खाना बंद कर दो, अपने आप सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये बातें कैन सुन से नहीं, ये किसी तरीके से इनका अंत किया जा सकता है। आजकल और अन्य बहुत अच्छे ट्रैक्शन वगैरह के जूते आते हैं, उनको पहन लीजिए, और जैसे मिलिट्री वगैरह में है वो सरकारी मामला है, गवर्नमेंट का है, वहाँ आपको दोष नहीं है, वो कैसे जूते पहनने को दे, प्राइवेट फिर आप वो नहीं पहनोगे, केवल ड्यूटी के समय वो पहन सकते हो, उसके बाद अपना दूसरे सिंपल चप्पल पहन लो, चाहे हवाई चप्पल, ये भी बढ़िया है। हमने अपने पापों के जो सोर्स हैं उनको ख़त्म करना है और जो पुण्य के सोर्स हैं उनको बढ़ाना है, तभी हम सुखी होंगे। तो यहाँ भक्तात्मा तो उसने नाम लिया, नाम लेते हो ठीक हो गया, और यहाँ पर आया 1 महीने के बाद ऐसा मोटा हो रहा, राब चालर खूब नुसैर सपटेर छक्कर खूब डट कर भोजन पावे रोटी खावे, ठीक हो गया। 1 वर्ष के बाद उसको फिर तकलीफ एज इट इज होगी,
अब वो फिर रोने लगा, जी मुझे तकलीफ होगी। मैंने कहा अभी क्या बात होगी, भगवान बदला नहीं, परमात्मा वही, ये दास वही। अब जिसने ठीक किया था आज कैसे बीमार हो सकता है, कोई कारण बना होगा, कोई गलती की होगी तूने। ना जी कोई गलती नहीं करी, रोज भक्ति करता हूँ, मंत्र भी करता हूँ, जोत जलाऊ हूँ, पाठ भी करा दिया। अब हम असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन पता तो होता है इस दास को, इतना अनुभव है कि ऐसा नहीं हो सकता कि बगैर नियम तोड़े कोई आपत्ति फिर आ जाए। फिर बगैर पूरा क्लियर हुए बिना दास भी ज़्यादा दबाव नहीं देता, कह देता अच्छा भाई कोई बात नहीं, फिर सुनेगा भगवान। उसकी डेथ होगी, फिर उनके साथी जो और वहाँ नाम लिया था जिन्होंने, जिनको और अच्छा दृढ़ विश्वास हो गया था और उसकी क्रिया से वो परिचित थे कि ये जानबूझ का मरिया है, उसने वो जूतों की दुकान पर चाम के जूते बेचने बंद नहीं किए थे। और भी एक आध जो उस बताए उनके साथियों ने कि उसने मर्यादा को भी तोड़ दिया था, क्योंकि सुखी हो गया, परमात्मा ने सुन ली। जब तो हृदय से रोया था और सुख होते ही परमात्मा से कोसों दूर हो जाता है। तो पुण्यात्मा, आपका यहाँ आने का उद्देश्य केवल संकट निवारण करना ही ना हो। देखो वैसे तो दुखी इंसान भी यहाँ आ जाता है, उसके लिए वो दुख वरदान बन जाता है, क्योंकि वो दुख आपको भगवान से मिलाने में एक मीडिया का काम कर गया। और अब आप परमात्मा के चरणों में नहीं रहोगे, परमात्मा की मर्यादा में ना रहोगे, तो फिर जैसे थे, इसे तो पहले थे ही हम। तो यहाँ आपको बार बार प्रार्थना की जाती है कि महीने में एक बार अवश्य आइए, दूर देश के हैं वो दो महीने में आ जाएं, और ज़्यादा दूर के हैं तीन महीने में आ जाएं। लेकिन आप विचार कीजिए कि एक डॉक्टर 10 दिन की दवाई देता है और 500 रुपये लेंट लेता है, फिर एक हफ्ते की देता है, फिर जाते हो, फिर देता है, फिर जाते हो, मनमाने ये 2 साल तक चक्कर कटाएं और जाना पड़े आपको। और यहाँ आने में आनाकानी करते हैं, पैसा नहीं जी, ऐसा एकाध करता, वैसे सभी नहीं करते। तो पुण्यात्मा, परमात्मा पैसा भी देगा आपको, धन भी देगा, सुख भी देगा, आपकी आयु भी बढ़ा देगा। तो ऐसे आप जी यहाँ बार बार आओगे, परमात्मा के विधान से परिचित हो जाओगे, आप यहाँ उपस्थित उन पुण्यात्माओं से मिलोगे जिनके सब संकट दूर हो गए, तब आपको विश्वास दृढ़ होगा। और परमात्मा का विधान है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा और समय आए फल हो। परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक चीज धीरे धीरे लाभ होता है, जैसे एक आम के पेड़ को बीजता है माली और उसमें सैकड़ों घड़े पानी की सिंचाई करता है, और फिर लगभग 4-5 पहले तो 8-8 वर्ष में जा कर के आम फल देने लगते थे, और जब वो आम का पेड़ सिंचाई ठीक करने से पेड़ बन जाता है, फिर फलों से लदपद हो जाता है और इतने फल लगते हैं, स्वयं भी खा ले, रिश्तेदारों को भी खिला दे, अपने मित्र प्यारों को भी खिला दे, तो भी वो आम समाप्त नहीं होते। तो पुण्यात्माओं, ये भक्ति रूपी आम का पेड़ अब आप जी को मिला है, आपको पौधा मिला है, बीज मिला है यथार्थ। पहले तो आम के स्थान पर आप जी ने बबूल बीज रखा था, आन उपासना रूपी बबूल कीकर, जो गलत नाम थे, शास्त्र विरुद्ध साधना थी, शास्त्र के विपरीत जो मंत्र आप जाप करते थे,
आप बबूल बीज के पूजा कर रहे थे, सिंचाई कर रहे थे। अब आप जी को यथार्थ मंत्र यानी आम का पेड़, आम का बीज मिल गया। अब इसकी सिंचाई शुरू करोगे और धीरे धीरे समय आने पर देखना कुछ वर्ष के बाद आपके याद भी ना रहेंगे, हम कदे दुखी भी हुए थे, लेकिन कुछ पुण्यात्मा एक महीने दो महीने में कुछ तो राहत उनको मिल जाती है। दो कारण होते हैं, एक तो पुण्यात्मा रोग यानी संस्कार कमजोर थोड़े हों वो जल्दी रिकवर हो जाता है। जैसे एक तो रोगी दीर्घ रोग ना हो और एक के थोड़ा एक दीर्घ रोग हो, तो जो दीर्घ रोग नहीं है और वो भी बीमार है चला नहीं जा रहा, तो उसको ट्रीटमेंट करते ही राहत मिल जाती है। और जो दीर्घ रोगी होता है उसको डॉक्टर हॉस्पिटल में भर्ती भी कर लेता है, आईसीयू में भी रख लेता है, लेकिन उपचार करके छोड़ दिया करे और उसको और भी समय लग सकता है स्वस्थ होने में। तो इस प्रकार हमने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा इस परमेश्वर के चरणों में आने के उपरांत। यहां ऐसे भी प्रमाण हैं कि नाम लेते ही तुरंत ठीक हो गई, ऐसे भी प्रमाण हैं कि कोई दो महीने तीन महीने के बाद स्वस्थ हो गया, हर तरह से राहत प्रारंभ होगी। कुछ ऐसे भी हैं जो एक वर्ष तक भी लग रहे हैं और कहते हैं जी अभी पूरा लाभ तो नहीं हुआ, तो उनमें कोई ना कोई त्रुटि है। परमात्मा कहते हैं साहेब के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। बाहर कनेक्शन एक ही लाइन से, मेन लाइन एक ही है बिजली विद्युत की, और दूसरों के घरों में सब पंखे भी चल रहे हैं उसी लाइन से कनेक्शन प्राप्त करके, और ट्यूब भी जग रही है, सब कार्य हो रहे हैं, यानी लाइट उपलब्ध है, बिजली उपलब्ध है, और आपके यहाँ उसी से कनेक्शन है और आपके यहाँ वो कार्य नहीं कर रही है, तो आपका कनेक्शन लूज है या कनेक्शन कट चुका है, या फिर आप जिस वस्तु पर प्रयोग कर रहे हैं विद्युत को वो डिफेक्टिव है, वो चेक करनी चाहिए। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा यहाँ कई आते हैं वो महा दुखी होते हैं, बहुत से ढेर सारे आपदाएं गिनवाते हैं, तो पुण्यात्मा कुछ राहत तो उनको आशीर्वाद से ही मिल जाती है, फिर भी उसको राहत कम मिलती है तो मंत्र दिए जाते हैं जाप कीजिए, उनसे भी कुछ राहत कम मिल रही है तो उनको एक विशेष हिदायत दी जाती है कि आप ज्योति के लिए व्यवस्था कीजिए, यानी पांचों यज्ञ करने के लिए उनको सलाह दी जाती है जो ग्लूकोज का काम करती है। तो इनसे सब ट्रीटमेंट प्रारंभ हो जाता है तो कुछ दिन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब कुछ भक्त आत्मा कहते हैं जी छोटा मोटा कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। पुण्यात्मा हम काल के लोक में रह रहे हैं, यहाँ दुख के अतिरिक्त कुछ भी आपके पल्ले नहीं आ सकता। आपको सुख परमात्मा ही दे सकता है, आप जी ने किसी जन्म जन्मांतर में परमेश्वर कबीर जी के साथ रह करके उनकी शरण में कोई साधना की थी और वो साधना जो अच्छी कर गए लेकिन पार हुए नहीं, वो फिर काल के जाल में रह गए। तो उन्हीं के पुनों को ये काल भगवान बर्बाद कराने के लिए राजा बना देता है, अच्छा आईपीएस आईएएस बना देता है, बहुत बड़ा सेठ फैक्ट्री मालिक बना देता है, या बड़ा किसान बना देता है, कोई दुकानदार बना देता है, उसी के पुण्य को उसको दे रहा है। अब अपने पूर्व जन्म के पुण्यों को अब चाहे खा या खराब कर,
और वो सारे जैसे